थे हमारी एक और नए वीडियो पर। आप सभी को पता है, जब से नया रैंक सीजन स्टार्ट हुआ है तब से मैं रैंक पुश कर रहा हूँ और अभी मैं रीजनल पे टॉप 3 के अंदर आ चुका हूँ। टॉप 1 जाने की मेरी कोशिश है। बताओ यार, आप लोग मेरे को पुश करना चाहिए टॉप 1 के लिए या छोड़ देना चाहिए? अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर 200K लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो मैं टॉप 1 जैसे भी करके जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पूरा जी जान लगा दूंगा, ठीक है? पूरा समझ रहे हो? कंपटीशन चलने लगता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और फिर दिन रात गेम, एंड फिर आने वाले कुछ सालों के बाद अपने स्क्वाड के साथ यहाँ पे मिलोगे, क्योंकि फ्यूचर में क्या करना है कभी सोचे नहीं हो। बहुत सारे लोग रैंक पुश में लगे रहते हैं, बट मुझे बताओ रैंक पुश करने से मिलता क्या है? पहले के टाइम का एक अलग बात है, उस टाइम पर रैंक पुश करने से कुछ मिलता भी था, मतलब नाम वगैरह होते थे, बट अभी कोई भाव ही नहीं देता है। हीरोइक पे जाना कोई बड़ी बात नहीं, बट मैं आपको बता दूं, मैं लाइफ में बस एक बार हीरोइक पे गया, वो भी सीजन 8 में, वो भी रैंक टोकन से, क्योंकि रैंक पुश करने से मिलता है कि मैं डायरेक्ट उतरता हूं एंड जो भी हाथ लग जाए रश कर देता हूं। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि रैंक पुश करने से मिलेगा क्या, अच्छा मैं उनका टाइम किसी और चीज में लगा दूं। जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, मतलब स्टार्टिंग ही हुआ था, मुझे याद उस टाइम पर मैं गेम में बस 250-200 रुपया लगाया था गेम में, ऐसे होते थे बट मैं नहीं लगाता था, एंड जब खुद से अर्न करने लगा तो मैं लगाने लगा, बट मैं अभी भी इतना नहीं लगाता हूँ। आपको मैं बता दूं, मैंने इलाइट पास भी नहीं लिया, मैंने इस मंथ का भी नहीं लिया, पिछले मंथ का भी नहीं लिया था। आपके पास ऑलरेडी जब कुछ कॉस्ट्यूम है, कुछ गन्स की स्किन है, तो फिर बाकी इवेंट में इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट करना? मान के चलो कि कल को फिर बार बैन हो जाता है, तो आप वो पैसे किन से मांगोगे? पैसे छोड़ो, आपका जो टाइम गया है, इतने सालों से जो आपने मजदूरी किया है, वो मजदूरी आप कहीं और करते तो शायद आपका आने वाला कल बहुत ही अच्छा जाता। अगर आप रियली में गेमिंग कम्युनिटी में कुछ करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, अब स्पोर्ट में जाना चाहते हो, तो थोड़ी बहुत चलती है, बट जो नॉर्मल प्लेयर है जो बस शौक के चक्कर में इतने पैसे उड़ा रहे हैं, कल को कोई नहीं देखने वाला। मैंने ऐसे बहुत सारे प्लेयर को देखा जो रियल लाइफ में अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, वो कैसे पैसे को जुगाड़ करके गेम में अच्छे कपड़े पहनाते। अभी टाइम अपने पैसे को सही जगह